मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है कि आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला पैराग्राफ क्या कहता है इसका, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पहले पढ़ा है जो आर एच विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में दिया था। आर एच विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्म को बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन 5 किंगडम में से 4th किंगडम का नाम था किंगडम प्लांटी। इस किंगडम प्लांटी को प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो प्लांट किंगडम 4th आपका किंगडम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस किंगडम की बात में। तो बोलता है एनसीईआरटी की लाइन लिखती है कि प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। प्लांट किंगडम टाइम के साथ बहुत बार चेंज हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मतलब फंजाई और मेंबर, मोनेरा के मेंबर और प्रोटिस्टा के मेंबर पहले किंगडम प्लांटी के अंदर ही आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि इनके पास सेल वॉल था और जिसके पास भी सेल वॉल था वो सब किंगडम प्लांटी का मेंबर था। इसलिए फंगस पहले किंगडम प्लांटी में था, प्रोटिस्टा के मेंबर, मोनेरा के मेंबर सब किंगडम प्लांटी में थे, जो अब किंगडम प्लांटी में नहीं रहे। अगली लाइन लिखती है कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये अब एल्गी नहीं माना जाता। इसे पहले एल्गी में रखते थे लेकिन अब ये एल्गी में कंसीडर नहीं होता है, ये बैक्टीरिया में कंसीडर होता है। तो हम इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी में आज के सिनेरियो में देखें, किंगडम प्लांटी में सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं कौन कौन सी चीजें बची हैं पढ़ने के लिए, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन 5 तरह के प्लांट्स को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं एनसीईआरटी बुक का। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि पहले के जमाने में, जब पहले का जमाना था तो पुराने जमाने में पुराना क्लासिफिकेशन देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पुराना क्लासिफिकेशन, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखें तो वो किस पर डिपेंडेंट था? अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पर था, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पर। तो पहले सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर बेस था। मॉर्फोलॉजी का मतलब कहां रहते हैं, हैबिट, कलर, कैसा कलर का दिखता है, नंबर, शेप, लीफ, ये सारी चीजों को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एक्सटर्नल करेक्टर, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही पहले ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता था। ठीक है, तो एक्सटर्नल करेक्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे तो उस पुराने जमाने में ऐसा करते थे। ठीक है, उस समय पुराने जमाने की बात करें तो पुराने जमाने का दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, मतलब वेजिटेटिव करेक्टर या फिर आपका सेक्सुअल करेक्टर किसी एक करेक्टर पर बेस होता था पुराने जमाने का, और अगर किसी एक करेक्टर पर बेस होगा क्लासिफिकेशन तो उसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, और ये सिर्फ किसी एक करेक्टर पर बेस था, जैसे कि एंड्रोशियम की गिनती पर, एंड्रोशियम कितने हैं इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इसको कौन सा क्लासिफिकेशन कहेंगे, आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात बात करें, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इक्वल वेटेज था वेजिटेटिव करेक्टर को और सेक्सुअल करेक्टर को, दोनों को इक्वल वेटेज था, मतलब आपके वेजिटेटिव करेक्टर, नॉर्मल करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर को दोनों को बराबर वेटेज दिया गया था, कोई कम ना कोई ज्यादा माना गया था। लेकिन अब हम जान चुके हैं, नाउ इट इज एक्सेप्टेड दैट, अब हम ये जान चुके हैं कि वेजिटेटिव करेक्टर जो हैं वो इजिली इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से वेजिटेटिव करेक्टर में बदलाव हो सकता है। जैसे पानी ज्यादा मिलेगा तो पेड़ों की पत्तियां बड़ी बड़ी हो सकती हैं, पानी की कमी होगी पेड़ों की पत्तियां छोटी हो सकती हैं। तो वेजिटेटिव करेक्टर में चेंजेस पॉसिबल है इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ। ठीक है, और लेकिन पुराने जमाने के लोग वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर को दोनों को कंसिडर करते थे, इक्वल वेटेज देते थे, कब, जब क्लासिफिकेशन करना होता था। तो फिर हम बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की जिसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये आर्टिफिशियल के विरुद्ध में आया था, आर्टिफिशियल के अगेंस्ट में एक नया क्लासिफिकेशन आया था जिसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसमें किस पर बेस था, नेचुरल एफिनिटी, एफिनिटी देखता था ऑर्गेनिज की एफिनिटी पर बेस था कि ऑर्गेनिज जो है उसका बाकी जीवों के साथ क्या कंसिडर, क्या रिलेशन है दूसरों के साथ, दूसरे जीवों के साथ उसका रिलेशनशिप। इसमें एक्सटर्नल करेक्टर को तो कंसीडर किया ही गया था,
एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया गया था। इंटरनल फीचर बोले तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, इम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सभी चीजों को भी ध्यान में देखा गया था। ठीक है, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, इम्ब्रियोलॉजी मतलब इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब उसमें कौन कौन से फाइटोकेमिकल पाए जा रहे हैं, केमिकल्स जो पाए जा रहे हैं उनके बारे में। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो बनाया गया था क्लासिफिकेशन, मतलब ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ कंसिडर करके जो क्लासिफिकेशन किया था उसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। इसीलिए दोनों साइंटिस्ट का सरनेम है, एक का नाम है बेंथम और एक का हुकर, इसलिए इसको बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब से कोई पूछे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, तो बेंथम एंड हुकर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, और आर्टिफिशियल किसने दिया था, आर्टिफिशियल दिया था आपका कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने। फिर अगला सिस्टम के बारे में आपका लिखा है कि नाउअडेज एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, आज के डेट में हम लोग कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम ज्यादा से यूज करते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के आपकी किसमें इवोल्यूशन पर बेस्ड है। इवोल्यूशन मतलब कैसे, कौन पहले धरती पर पहले ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो आपके आपके इस पर बेस है कि किस पर कौन धरती पर पहले आया, इस बात पर बेस है। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशन पर बेस था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और आज के डेट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन यही है, हम लोग इसी क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, दीज बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। जब फॉसिल कोई फॉसिल एविडेंस नहीं होता है किसी के पास, तो ये क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, जब किसी पुरातत्व विभाग वालों के पास कोई सबूत नहीं है कितना पुराना क्या चीज है, तब यहाँ पर फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन बहुत एक क्लासिफिकेशन बहुत मदद करता है। तो हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ ली अभी तक, आर्टिफिशियल लीनियस ने दिया था, ठीक है, दूसरा नेचुरल आपका किसने दिया था, बेंथम हुकर ने। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिर्फ एक करेक्टर पर बेस्ड था, ठीक है, उस एक ही करेक्टर पर बेस्ड था, जैसे एंडोशियम की गिनती, कितने एंडोशियम के नंबर है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आपके वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया था, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑल कैरेक्टर पर बेस है, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर पर बेस था, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल ज्यादा अच्छा हो गया था। फिर आर्टिफिशियल से ज्यादा अच्छा, नेचुरल से ज्यादा अच्छा कौन सा आ गया, फाइलोजेनेटिक, इसमें इवोल्यूशन को भी कंसिडर कर लिया गया, सारे इंटरनल एक्सटर्नल सारे कैरेक्टर तो थे ही, एक्स्ट्रा में क्या ले लिया गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। फिर उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन का नाम आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नाम से मालूम चल रहा है कि मैथमेटिक्स की तरह इसको सॉल्व किया जाएगा, ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर की मदद से कर सकते थे, और इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जितने करेक्टर कंसीडर हैं उनको कोई नंबर असाइन कर देते हैं, इतने करेक्टर मैच कर रहे हैं और इतने करेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, और डाटा की तरह कंप्यूटर में सारे करेक्टर को बना लेते हैं, और डाटा की तरह जब बन जाता है तो उसका कंप्यूटर की मदद से प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात ये थी कि कंप्यूटर की मदद से हो रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, बायस नहीं होगा, कोई कंप्यूटर करा इसलिए कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इस करेक्टर की भी गड़बड़ी क्या थी, इसमें ऑल करेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि मैथ के न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व होगा, तो ऑल करेक्टर हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, इसलिए ये क्लासिफिकेशन अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें सारे करेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया गया। फिर बात करते हैं साइटो टैक्सोनॉमी की। साइटो का मतलब होता है सेल, और टैक्सोनॉमी मतलब होता है, टैक्सोनॉमी करते समय अगर सेल का यूज किया जाए, सेल के कैरेक्टर को देखा जाए, तो इसको साइटो टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि सेल कैसी दिखती है, सेल में क्रोमोसोम कितने हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर, अगर सेल के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर अगर टैक्सोनॉमी की जाए तो उसको साइटो टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर है कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो नाम समझ लो, कीमो मतलब केमिकल, तो अगर टैक्सोनॉमी को करते समय केमिकल को ध्यान में रखा जाए, ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, ये सारी चीजों को देखकर टैक्सोनॉमी की जाए, इस तरह की टैक्सोनॉमी को कीमो टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं।
कीमो टैक्सोनॉमी किस पर बेस है, केमिकल पर बेस है, कितने केमिकल पाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं, किस चीज को ध्यान में रखकर टैक्सोनॉमी की जाती है, उसको कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है हर प्लांट की पत्तियों का स्वाद अलग अलग होता है, अब नीम की पत्ती खाकर देखो, तुलसी की खाकर देखो, सभी का टेस्ट अलग अलग होगा, इवन यहाँ तक कि कलर भी अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्लांट में अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं, और प्लांट में पाए जाने वाले केमिकल को फाइटोकेमिकल कहते हैं, और जो फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं प्लांट में उसके बेसिस पर प्लांट को पहचानने को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं आपका कीमोटैक्सोनॉमी। अब हम बात करते हैं कि करके स्टार्ट करते हैं, पहला हमको पढ़ना क्या है एल्गी के बारे में, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो पहला ग्रुप की बात करते हैं हम एल्गी की। एल्गी को आपको थैलोफाइटा के नाम से भी जानते हैं, एल्गी भी कहते हैं। देखो पहली लाइन में सारी डिफिनेशन दे दी है, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, पहली बात। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थैलॉइड बॉडी होती है, थैलस जैसी बॉडी होती है, इसमें लीफ स्टेम रूट अलग अलग नहीं होते हैं। ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाता है, एंड लार्जली एक्वेटिक, लार्जली का मतलब मेनली यहां पर है, मेनली जो आपके एल्गी होते हैं वो पानी में ही रहते हैं, फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर दोनों जगह रहते हैं, पानी में रहने वाले ऑर्गनिज्म में कौन एल्गी, तो बोला एल्गी मेनली पानी में रहते हैं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, ये और भी जगह रह सकते हैं जैसे कि पानी के अलावा मॉइस्ट स्टोन में, गीले पत्थरों में, सॉइल में, लकड़ी में, वुड में, तो आपकी ये और भी जगह आपके एल्गी देखने मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ एल्गी तो ऐसे हैं जो फंजाई के साथ मिलकर रहते हैं, साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, बताओ एल्गी और फंजाई साथ में रहे तो क्या नाम से जानेंगे, लाइकेन के नाम से जानेंगे। कुछ एल्गी जो है वो एनिमल के शरीर में लग जाते हैं और उन्हें क्या नाम जानते हैं, एपीफाइटिक एल्गी कहते हैं, एनिमल के शरीर में लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्लॉट बियर जो है, स्लॉट बियर में, स्लॉट बियर एक ऑर्गनिज एक एनिमल है, इसके शरीर के ऊपर एल्गी लग जाते हैं। स्लॉट बियर में पोलर रीजन में रहता है ये, ठंडी जगह पे। फिर बात करते हैं फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, एल्गी का साइज और फॉर्म सब कुछ अलग अलग हो सकता है। कुछ एल्गी कॉलोनी बनाकर रहते हैं जैसे कि वॉल बॉक्स, कुछ एल्गी जो है वो फिलामेंटस फॉर्म में रहते हैं, धागे ऐसे होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ये आपको पढ़ा चुके हैं हम, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा जो है ये फिलामेंटस एल्गी है, धागे जैसे होते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ एल्गी समुंदर में रहते हैं और बहुत बड़े मास में होते हैं, मैसेसिव प्लांट बॉडी होती है, बहुत बड़े साइज के होते हैं, जैसे कल्प बहुत बड़ा साइज का होता है, ये एल्गी ही है कल्प। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन की, एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, असेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि इसकी बॉडी के कुछ पार्ट टूटकर अलग हो जाते हैं और नया प्लांट बॉडी बना लेते हैं, इस घटना को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो पहला तरीका है फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बनाते हैं, ये स्पोर बनाते हैं और इन स्पोर को जू स्पोर के नाम से जानते हैं। जू स्पोर नाम से मालूम चल रहा है, जू लगा हुआ है मतलब मोटाइल स्पोर होंगे, मतलब फ्लैजला होगा, जू स्पोर में फ्लैजला होता है। तो जू स्पोर ज्यादातर बनाते हैं, और भी ऐसा क्या स्पोर बना सकते हैं और उस स्पोर के जर्मिनेशन से एक नया प्लांट बन जाएगा। हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए भी इनमें बहुत सारा सिस्टम है, एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करेंगे, ये तीन तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन कौन सा, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस कब बोलेंगे, अगर एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय दोनों गैमेट अगर सेम साइज के होंगे तो उसे आइसोगैमस कहते हैं, दोनों गैमेट सेम साइज के होने चाहिए। अगर दोनों गैमेट सेम साइज के नहीं है तो उसे एनआइसोगैमस कहेंगे। और तीसरा कंडीशन, अगर मेल गैमेट बहुत छोटा हो और फीमेल गैमेट बहुत बड़ा हो, मेल गैमेट मोटाइल हो, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हो, इस तरह का गैमेट में जब फ्यूजन होता है तो इस घटना को कहते हैं ओगैमस। ओगैमस का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक ने लिखा है, वॉल बॉक्स और फ्यूकस, वॉल बॉक्स और फ्यूकस
ये आपके ऊ गैमस के एग्जाम्पल है। एनाइसो गैमस का एग्जाम्पल है यूडोर्निया, यूडोर्निया जो है वो एनाइसो गैमस का एग्जाम्पल है एल्गी में, और आइसो गैमस का एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है स्पाइरोगायरा का। तो ये सारे एग्जाम्पल आपकी बुक ने दे रखे हैं। चलिए तो ये हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया। अब अगली लाइन लिखती है आपकी कि एल्गी के इंपॉर्टेंस की बात करता है, तो बताता है पहली लाइन लिखता है कि एल्गी जो है बहुत यूजफुल है ह्यूमन के लिए, बहुत तरह से यूजफुल है। धरती पर ह्यूमन जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 50% भाग, आधा कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी हम लोग पोल्यूशन करते हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, उसका 50% कार्बन डाइऑक्साइड यही एल्गी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस घटना में? एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और एल्गी जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो लगभग एटमॉस्फेयर का 50% अकेले बेचारे यही कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो एल्गी का है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, और ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे तो हमको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, एल्गी कहां होते हैं? पानी में होते हैं, तो कहां पर ऑक्सीजन छोड़ेंगे? पानी में। पानी में ऑक्सीजन को मेंटेन कौन करके रखता है? पानी में ऑक्सीजन को, तो यही करते हैं। इमीडिएट इन्वायरमेंट लिखा है ना, इमीडिएट इन्वायरमेंट में मतलब अपने आसपास जहां पर रहते हैं वहां पर बहुत सारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फूड भी बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, फूड भी छोड़ते हैं। फूड को कौन खाएगा? पानी में छोड़ेंगे फूड, एक्वेटिक एनिमल्स खाएंगे। सारे एक्वेटिक एनिमल इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं, एल्गी पे ही खाने के लिए बहुत सारे हैं। फिर बात करते हैं कि इनकी बात करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर में काउंट होते हैं, क्यों? खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। और इनमें बहुत सारे एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स का जीवन यापन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा लेमिनेरिया एंड सर्गेशम, ये तीन एल्गी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, पोरफायरा लेमिनेरिया और सर्गेशम, ये तीन एल्गी हैं जिनके 70 से अधिक स्पीसीज हैं। हम इनको खाने का काम करते हैं, इनको खाते हैं। कौन कौन से एल्गी खाने वाले एल्गी हैं? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ईडेबल एल्गी के नाम। पोरफायरा को खाते हैं हम, लेमिनेरिया को खाते हैं, और सर्गेशम को खाते हैं। इन सभी तीनों एल्गी को हम खाते हैं जब फूड खाते हैं। एल्गी से आपके एल्गी जो है सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी जो है उनमें से बहुत तरह के हाइड्रोकोलाइड्स निकलते हैं। हाइड्रोक्लोराइड क्यों कहते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इन कोलाइडल पार्टिकल में, इसलिए इनको हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, या फाइकोक्लोराइड कह सकते हो क्योंकि एल्गी से निकल रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल है, इसको फाइकोक्लोराइड्स या हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। ये एल्गी से निकलते हैं, बहुत तरह के नाम है। एल्जिन, एल्जिन नाम का जो हाइड्रोक्लोराइड्स है ये निकलता है, एल्जिन ब्राउन एल्गी से निकलता है। कार्जिन जो है वो रेड एल्गी से निकलता है, याद रखिएगा। ब्राउन एल्गी से कौन सा फाइकोक्लोराइड निकलता है, कौन सा हाइड्रोक्लोराइड निकलता है? एल्जीन। रेड एल्गी से कार्जिन, ठीक है। और इनका मार्केट में बहुत ज्यादा यूज है, कॉमर्शियल यूज है, कार्जिन का, एल्जीन का, ठीक है। अगार नाम सुना होगा आपने, अगार का भी बहुत सारा यूज होता है। अगार भी एक तरह का आपके इससे निकलने वाला केमिकल है, एल्गी से बनने वाला। कौन से एल्गी से निकलता है? रेड एल्गी से। अगार किससे बनता है? अगार, अगार नाम का केमिकल रेड एल्गी से, और एल्गी का नाम है जेलेडियम एंड ग्लिसरेलिया। जेलेडियम एंड ग्लिसरेलिया एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, रेड एल्गी कौन से रेड एल्गी से अगार अगार केमिकल निकाल जाता है? तो आंसर है जेलेडियम और ग्लिसरेलिया। इन दोनों एल्गी का यूज क्या करने के लिए करते हैं? अगार अगार बनाने के लिए करते हैं। और अगार का बहुत सारा यूज है। अगार का पहला यूज है कि आप जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करते हैं लैब में, तो वहां पर कल्चर मीडियम बनाने में यूज होता है। दूसरा यूज है आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में, ऐसे कई सारी यूज पर्पस से जेल बनाने में, जेलिंग एजेंट है। अगार एक जेलिंग एजेंट है, इसका यूज जेल और आइसक्रीम बनाने में बहुत करते हैं हम लोग। फिर अगली लाइन लिखी है आपके एनसीईआरटी में, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और क्लोरेला में बहुत सारा प्रोटीन होता है, रिच इन प्रोटीन, बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसलिए लोग इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में खाते हैं। यहां तक कि स्पेस ट्रेवलर अपने साथ इसको लेकर जाते हैं, स्पेस फूड के रूप में इसको खाते हैं। और अगली लाइन कहती है एल्गी को तीन मेन ग्रुप में बांट दिया गया है। कौन कौन सी क्लासेस हैं एल्गी को तीन क्लास में बांट दिया गया है? क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी और रोडोफाइसी।
क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी आते हैं, इसमें फेयोफाइसी में ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी में रेड एल्गी को कंसीडर किया गया है। तो पहला क्लास पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी के बारे में बात करते हैं, तो ग्रीन एल्गी जो है उन्हें हम क्लोरोफाइसी में अंदर रखते हैं। तो पहली लाइन लिखती है द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, इनको ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं ग्रीन एल्गी। इनका रंग ग्रास के कलर का जैसा होता है, ग्रास जैसा ग्रीन होता है, क्योंकि इनमें ग्रास जैसे ही क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट पाया जाता है। इसमें अगली लाइन लिखती है कि ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट का शेप या तो डिस्कॉइड शेप के होंगे, या प्लेट लाइक होंगे, या रेटिकुलेट शेप के होंगे, कप शेप के होंगे, स्पाइरल शेप के होंगे, रिबन शेप के होंगे, इनमें से कोई भी शेप का क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। ठीक है, फिर अगली लाइन लिखती है कि इसके अंदर पायरेनॉइड नाम का एक केमिकल पाया जाता है। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड नाम का एक केमिकल पाया जाता है, और जो स्टोर फूड को स्टोर करके रखने का एक तरीका है पायरेनॉइड। ठीक है, किस रूप में इसमें पायरेनॉइड फूड किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? तो प्रोटीन और स्टार्च के रूप में होते हैं, प्रोटीन और स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होते हैं पायरेनॉइड के अंदर। और पायरेनॉइड कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, फिर अगली लाइन लिखता है सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ एल्गी में फूड ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी स्टोर होते हैं। एल्गी के बाहर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किससे बनी होती है? तो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल जो होती है बाहर से इनर लेयर बनती है सेलुलोज से, और आउटर लेयर बनती है पेक्टोज से। तो पेक्टोज और सेलुलोज से मिलकर सेल वॉल बनती है, बाहर बाहर पेक्टोज होता है, अंदर साइड में सेलुलोज होता है सेल वॉल में। फिर बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, बच्चे पैदा करने की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से करेंगे? फ्रेगमेंटेशन करके। और असेक्सुअल भी करेंगे। असेक्सुअल कैसे करेंगे? स्पोर बनाकर करेंगे, कई तरह के स्पोर बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। हाँ, और सेक्स ऑर्गन कैसे हो सकते हैं? सेक्स गैमिट्स बनेंगे, गैमिट के थ्रू करेंगे। गैमिट कैसे होंगे? आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, या फिर ऊगैमस हो सकते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था। एग्जाम्पल, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल में आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। ये चार आपके पांच नाम जो है ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आपको हमने पहले भी इसका ट्रिक बताकर पढ़ा चुके हैं, कॉल एसपी बोलो काला उल्लू आया है, पढ़ा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं वहां से ट्रिक जाकर, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ये एल्गी के एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा, ये आपके कौन से ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है। ये डायग्राम देख सकते हो, ये ग्रीन एल्गी का डायग्राम है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, ग्रीन एल्गी, ये पहला डायग्राम जो है वो वॉल्वॉक्स का डायग्राम है। पहला डायग्राम जो आपके सामने बना है वो वॉल्वॉक्स का डायग्राम है, और वॉल्वॉक्स गेंद जैसा होता है, कॉलोनी बनाकर रहता है, और इसमें नंबर ऑफ ऑर्गनिज फिक्स होते हैं, और बीच बीच में देखो छोटी छोटी और गोल गोल दिख रहे हैं, गोल गोल डब्बे दिख रहे हैं बड़ी गोले के अंदर। उस छोटे को कहेंगे डॉटर कॉलोनी है, और बड़ा वाला जो है वो पेरेंट कॉलोनी है। दूसरा डायग्राम आपको दिख रहा है जो बगल में लंबा सा, उस डायग्राम का नाम है यूलोथ्रिक्स, धागे जैसा होता है, यूलोथ्रिक्स धागे जैसा होता है, ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम था। और दूसरा पहला वाला डायग्राम जो है वो वॉल्वॉक्स का है, वॉल्वॉक्स गेंद जैसा था कॉलोनी बनाकर। दोनों ग्रीन एल्गी के डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रुप की, फेयोफाइसी। फेयोफाइसी ग्रुप के अंदर कौन आता है? इसके अंदर ब्राउन एल्गी आते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी कहाँ रहते हैं? मैराइन एनवायरमेंट में रहते हैं, समुद्र में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इनका साइज अलग अलग हो सकता है, अलग अलग रेंज के हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, कई सारे रूप में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े साइज तक के भी हो सकते हैं एल्गी। कल्प, KELPS, कल्प नाम का जो ब्राउन एल्गी है, ये सबसे लार्जेस्ट एल्गी है, लगभग 100 मीटर लंबा तक हो सकता है हाइट में। इसके अंदर आपके कौन से पिगमेंट होते हैं? इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं। आप कहते हैं कि जेंथोफिल में कौन सा पिगमेंट है? तो फ्यूकोजेंथिन नाम का केमिकल पाया जाता है, और फ्यूकोजेंथिन नाम का केमिकल जितना ज्यादा होगा उतना डार्क कलर के होंगे।
कम डार्क होंगे या ज्यादा डार्क होंगे कलर में, ब्राउन कलर के तो होंगे, ब्राउन एल्गी हैं, लेकिन ज्यादा ब्राउन होंगे या कम ब्राउन होंगे किस बात पर निर्भर करता है कि उसमें फ्यूकोजेंसिन कितना पाया जाता है। इसका स्टोर फूड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसके स्टोर फूड है, कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि इसमें स्टोर फूड क्या है, लेमरिनिन और मैनिटॉल, लेमरिन एंड मैनिटॉल इसके स्टोर फूड है। इसके पास भी सेल वॉल होगी और सेल वॉल जनरली इसकी बनी होगी सेलुलोज की, और इस सेलुलोज की सेल वॉल के ऊपर एक जिलेटिनस कवरिंग होगी और उसे कहते हैं एल्जीन के नाम से जानते हैं। इसके प्रोटोप्लास्ट में वैसा ही प्लास्टिड होगा, वैसे ही वैक्यूल्स होंगे सेंटर में, न्यूक्लियस होगा, ये सब कुछ होगा। फिर बोलता है प्लांट बॉडी यूजुअली, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है जो ब्राउन एल्गी होते हैं, जाकर सबस्ट्रम से किसी चीज से चिपके होते हैं जहां से, उस जगह कहते हैं होल्ड फास्ट, जहां जमीन से अटैच होते हैं रूट जैसा। और इसमें जो डंडी होती है स्टाल्क लाइक डंडी होती है उसको स्टिप के नाम से जानते हैं, और इसमें जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम फ्रॉन्ड के नाम जानते थे। इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फ्रॉन्ड कहते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइप्स कहते हैं, और रूट लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड फास्ट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फ्रॉन्ड, FRONDs। ये भी रिप्रोडक्शन तीन तरीके से कर सकते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर होंगे। स्पोर में दो फ्लैजला होते हैं इसलिए इसके स्पोर को बाई फ्लैजलेट कहते हैं और जू स्पोर के नाम से जानते हैं। देखने में ये स्पोर कैसे होते हैं, पियर शेप के होते हैं, नाशपाती का आकार के होते हैं, और इसमें जो दो फ्लैजला होते हैं वो लेटरल पोजीशन पे अटैच होते हैं और एक छोटा और एक बड़ा होता है, अनइक्वल साइज के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का वही तरीका होगा, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ओगैमस, और इसके थ्रू गैमेट का फ्यूजन होगा, और गैमेट के फ्यूजन होगा तो कहां पर होगा, गैमेट का फ्यूजन पानी में होते हैं, पानी में होगा और इसके थ्रू आपके ऑर्गेनिज्म बनेंगे। इसके गैमेट भी आपके नाशपाती शेप के ही होते हैं, पियर शेप के ही होते हैं, इसी कारण से गैमेट को पायरी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। पायरी फॉर्म मतलब PYRI, पायरी फॉर्म मतलब पियर शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें दो फ्लैजला अटैच होते हैं, या देखिएगा ब्राउन एल्गी में दो ही फ्लैजला होंगे, ना कम ना ज्यादा। एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, सरगैशम और फ्यूकस। इसकी याद रखने का ट्रिक है, एक दीदी लाई साग फोकट में, देख सकते हो एक बन गया एक्टोकार्पस, दीदी बन गया डिक्टियोटा, लाई बन गया लेमनेरिया, साग बन गया सरगैशम और फोकट बन गया फ्यूकस। एक दीदी लाई साग फोकट में। ये डायग्राम जो आपके सामने दिख रहे हैं ये ब्राउन एल्गी के डायग्राम है। ये ब्राउन एल्गी देखने में आपका ऐसा दिखता है। पहला डायग्राम जो दिख रहा है वो आपका है लेमनेरिया का, लेमनेरिया ऐसा दिखता है। दूसरा डायग्राम है आपका फ्यूकस का, और तीसरा डायग्राम जो बना हुआ है इस तरह वो है डिक्टियोटा का, जो आपकी बड़ी ब्रांच है। तो मेनी ब्रांच दिख रही है वो डिक्टियोटा है, जो बीच का डायग्राम है वो फ्यूकस है, और पहला डायग्राम है लेमनेरिया का। लेमनेरिया सबसे लंबा ऑर्गेनिज्म, सबसे लंबा एल्गी। फिर और आगे चलते हैं, तीसरा ग्रुप की बात करते हैं, रोडोफाइटा। थर्ड ग्रुप का नाम है रोडोफाइटा, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में रेड एल्गी आते हैं, और रेड एल्गी की बात करें तो इसका नाम रेड एल्गी रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट ज्यादा पाया जाता है। और रेड पिगमेंट का नाम बात करें इसमें फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन नाम का केमिकल सबसे ज्यादा होता है, और फाइकोइरिथ्रिन नाम के पिगमेंट पाए जाने की वजह से रेड एल्गी रेड होते हैं। फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर का केमिकल है। ज्यादातर ये रेड एल्गी समुन्द्र में रहना पसंद करते हैं, और ज्यादातर उस जगह रहते हैं, रेड मतलब गर्मी का प्रतीक है, तो वार्मर एरिया में ज्यादा रहते हैं, जहां बहुत गर्मी होगी ऐसी जगह में रहना पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं, ये जो है ये कम लाइट में भी रह सकते हैं रेड एल्गी, और ज्यादा लाइट में भी रह सकते हैं, मतलब समुन्द्र की गहराई में जहां लाइट ढंग से नहीं पहुंचती वहां भी आराम से रेड एल्गी रह सकते हैं गहरे पानी में। इसकी बॉडी थैलस जैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, और इसकी जो बॉडी होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसका स्टोर फूड है फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या देखिए रेड एल्गी का स्टोर फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च किसके जैसा दिखता है, इट इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। रेड एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें, ये भी रिप्रोडक्शन तीन तरीके से ही करेंगे,
वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन याद रखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका फ्रेगमेंटेशन से होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा इसमें, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर होगा स्पोर बनेंगे, लेकिन स्पोर जो होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, वो मोटाइल नहीं होंगे, उनमें स्पोर में आपके फ्लैजला नहीं पाए जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट बनेगा, गैमेट में लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजला नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा रेड एल्गी में लोकोमोशन करने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ना उसके स्पोर ना उसके गैमेट कोई रिप्रोडक्शन आपके लोकोमोशन नहीं कर सकते, रेड एल्गी में नॉन मोटाइल है। फिर बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसके एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्लिसरेलिया और जिलेडियम। तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्लिसरेलिया और जिलेडियम ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। पीजी स्क्वायर याद कर सकते हो, PPGG, पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा और ग्लिसरेलिया और जिलेडियम। ये रेड एल्गी का डायग्राम है, आप देख सकते हो रेड एल्गी का डायग्राम आपके सामने जो दिख रहा है, रेड एल्गी का डायग्राम है। पहला डायग्राम जो पत्ती जैसा इतना बड़ा सा बना हुआ है, इसको पोरफायरा कहते हैं, लीफी होता है, साग जैसा होता है पोरफायरा। इसमें सिर्फ लीफ लीफ दिख रही है, फ्रॉन्ट बस दिख रहा है आपको, देख सकते हो फ्रॉन्ट मतलब लीफ जैसा स्ट्रक्चर। और दूसरा डायग्राम जो दिख रहा है वो है पॉलीसाइफोनिया का, पॉलीसाइफोनिया बहुत ब्रांच्ड होता है, तो दूसरा डायग्राम जो है वो पॉलीसाइफोनिया का है। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के बीच में डिफरेंस देख सकते हो। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फेयोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, इन तीनों में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस देखते हैं कि पिगमेंट के बेसिस पर, तो पिगमेंट के बेसिस पर देखेंगे कि आपके ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी होता है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी होता है और रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और डी होता है। तो ए ए ए तीनों में कॉमन हो गया, बी सी डी देख सकते हो, पहले वाले में बी, दूसरे वाले में सी, तीसरे वाले में डी। फिर बात करते हैं ब्राउन एल्गी, ब्राउन कलर के क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूकोजेंथिन नाम का केमिकल होता है। और रेड एल्गी रेड क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसमें फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है, तो फाइकोएरिथ्रिन और फ्यूकोजेंथिन है ना। फिर बात करते हैं स्टोर फूड, तो ग्रीन एल्गी का स्टोर फूड है स्टार्च, ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड है मैनिटॉल और लेमिनेरिया और रेड एल्गी का स्टोर फूड है फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल, ग्रीन एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, आपके ब्राउन एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज के साथ एल्जिन नाम के केमिकल की जिलेटिनस लेयर पाई जाती है इसमें। और तीसरा बात करें रेड एल्गी का, इसके सेल वॉल में सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट, ईस्टर, ये सब कुछ पाया जाता है। फिर बात करते हैं फ्लैजला का नंबर, ग्रीन एल्गी में 2 से लेकर 8 तक फ्लैजला हो सकते हैं, फ्लैजला हमेशा इक्वल साइज के होते हैं और एपिकल पोजिशन में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी की बात करें, ब्राउन एल्गी में मात्र 2 फ्लैजला होते हैं और दोनों फ्लैजला अनइक्वल होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है और लेटरल पोजीशन में लगे होते हैं। और रेड एल्गी में फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं, अब्सेंट होता है। ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में, ब्लैकिश वाटर में, सॉल्टी वाटर में सभी जगह रह सकता है, ठीक है। तो वैसे हम बात करें तो इस सब तीनों ही तीनों जगह रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेजर डिफरेंस था रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में, और यहां तक हमने थैलोफाइट तक खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट लगती है क्या था आपका एनसीईआरटी का बेस पे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को हमने पढ़कर सुनाया और उसकी एक एक लाइन का मीनिंग बताया, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर की है, यहां तक का थैलोफाइटा तक हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे, लेकिन हम बार बार सजेस्ट करते हैं आपको कि एनसीईआरटी बेस की लाइन जरूर पढ़िए, लेकिन इसके पहले जो हमने वीडियो लेक्चर बनाया था आपका नॉर्मल नोट्स बेसिस पे, वो वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहां से नीट की तैयारी होगी, क्योंकि नीट में यहां से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, इसलिए एनसीईआरटी भी पढ़िए और लाइन बाय लाइन, और आप वहां पर उसको ही पढ़िए नोट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फिर यहीं पे थैंक यू।